दिखा रहे हैं उनसे। नहीं, परम कमल का आपका जो है ब्रांड नेम कैसे दिमाग में आया? जी हम उत्तराखंड से हैं, तो ये पापा ने सजेस्ट करा था कि वहाँ का नेशनल फूल वगैरह है, तो काफी मतलब मेहनत करते हैं। अच्छा, कमल मध्य हिमालय के 3,000 से 5,000 की मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और केदारनाथ पिंडारी ग्लेशियर हेमकुंड इस हाइट पर पाया जाता है। ब्रह्म कमल का जो बॉटनिकल ब्रांचिंग नाम है वो सोसोरिया अलोवेटा है। इसका नाम स्वीडन के वैज्ञानिक डी सोसोरिया के नाम से पड़ा। यहाँ चलते हैं उत्तराखंड के खाद्य सामग्री स्टोर पर और आपको ले चलते हैं। पहुँच चुके हैं गौरव राणा श्री जी नरिशमेंट ब्रह्म कमल मस्टर्ड ऑयल। तो सर अपना थोड़ा परिचय दीजिए। सर मेरा नाम गौरव राणा है, मैं टिहरी गढ़वाल देवप्रयाग से हूँ और अपना स्टार्टअप शुरू करा है ग्रेटर नोएडा में, प्लांट लगाया अपने मील का। अच्छा, सरसों का? सरसों। हाँ जी सर। ब्रह्म कमल सरसों का है? हाँ जी सर, ये ब्रांड नेम है सर अपना। अच्छा, ये ब्रह्म कमल जो है उत्तराखंड का नेशनल फूल है जो ब्रह्मा जी को चढ़ाया जाता है केदारनाथ में जी, तो ये ऊंची पहाड़ों में होता है डांडा वगैरह। तो ये ब्रह्म कमल का, मैं सोचा कि ब्रह्म कमल का फूल का तेल है। नहीं 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 सर, ब्रह्म कमल ब्रांड नेम है सर। अच्छा। सब कुछ रजिस्टर्ड है, FSI लाइसेंस वगैरह, 100% प्योर तेल है सर। तेल कहाँ, तो ये सरसों कहाँ से लाते हो आप? सर ये भरतपुर मंडी राजस्थान। और रहने वाले कहाँ के आप? सर टिहरी गढ़वाल देवप्रयाग। बाकी सर ग्रेटर नोएडा में ही रहते हैं। हाँ सर, ग्रेटर नोएडा में ही रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहीं पे है सर अपना। तो तेल का क्या रेट है? सर 230 रुपये लीटर। 230 रुपये लीटर? यस सर। प्योर? प्योर सर, 100% शुद्ध। सैंपल है, बाकी अगर आप टेस्ट चेक करना चाहते चेक कर सकते हैं। तो आज हम आपको यहाँ ब्रह्म कमल श्री जी नरिशमेंट में ब्रह्म कमल मस्टर्ड ऑयल के काउंटर पहुँचे हैं जो उत्तराखंड के टिहरी से बिलोंग करते हैं। इन्हें अपना नया स्टार्टअप लगा रखा है और अपना ब्रांड नेम रखा है ब्रह्म कमल। तो ब्रह्म कमल मध्य हिमालय के 3,000 से 5,000 की मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और केदारनाथ पिंडारी ग्लेशियर हेमकुंड इस हाइट पर पाया जाता है। ब्रह्म कमल का जो बॉटनिकल ब्रांचिंग नाम है वो सोसोरिया अलोवेटा है। इसका नाम स्वीडन के वैज्ञानिक डी सोसोरिया के नाम से पड़ा। तो ब्रह्म कमल की जो फूल है वो मध्य हिमालय में बहुत उगता है और इसका जो प्रयोग है वहाँ के भोटिया लोग अपने रोग बीमारी को दूर करने के लिए फूल का प्रयोग अपने चौखट पर लगाते हैं और ब्रह्म कमल के फूल से तेल भी निकलता है और इससे पाउडर बनता है जो कैंसर रोग में यूज होता है। तो ब्रह्म कमल की टोटल वैरायटी विश्व में 210 है और जबकि उत्तराखंड में 24 वैरायटी पाई जाती है। अब ब्रह्म कमल का जो बॉटनिकल नेम है वो सोसोरिया अबोवेलेटा है और 24 प्रजातियां इसकी पाई जाती है उत्तराखंड में और इसको हिमालयी क्षेत्र में जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड आदि में पाया जाता है। हिमाचल में इसको दूधा फूल के नाम से और कश्मीर में गलगल के नाम से और उत्तराखंड में इसको ब्रह्म कमल के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर ब्रह्म कमल, फेन कमल फूल पाए जाते हैं। तो हमें अपना उत्तराखंड को अगर आगे बढ़ाना है तो ब्रह्म कमल का प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएँ और ब्रह्म कमल के नाम पर, ब्रह्म कमल का ब्रह्मा का कमल और या नंदा का प्रिय फूल है। तो और ये केदारनाथ के, जब केदारनाथ मंदिर है उसमें शिव को इसका फूल चढ़ता है और ब्रह्म कमल को वेदों में भी इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत के वन पर्व में इसको सौगंध पुष्प कहा गया है और वहाँ के लोकल भाषा में इसको कौल पदम नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्म कमल का जो वर्णन पुराणों के महाभारत के वन पर्व में सौगंधित पुष्प के रूप में जाना जाता है और वहाँ के लोकल मंदिर ने कौल पदम के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्म कमल के नाम से ही नया स्टार्टअप खोल रखा है टिहरी गढ़वाल से और उसके नाम पर तेल ऑयल ब्रांड खोल रखा है जो प्योर है।
और लीजिए और 230 रुपये लीटर, 5 लीटर 1130 रुपये का है और ब्रह्म कमल ब्रांड से है। चलिए तो अब एक बार सबको रेट बता दीजिए। 1 लीटर 230 रुपये है और 2 लीटर 455 का है और 5 लीटर 1130 रुपये का है और ये 16.66 लीटर है, 15 किलो की टीन है, ये 3750 रुपये की है। ग्राहक आ रहे हैं? हाँ जी सर, ग्राहक आ रहे हैं। तो अभी तो स्टार्ट धीरे धीरे चलेगा, मेहनत करते रहिए। हाँ सर, मेहनत कर रहे हैं सर, बाकी अपने जितने भी गेट नोएडा वगैरह में खूब जा रहे हैं और अपने उत्तराखंड भाई हैं, ये काउंटर नंबर 56 इनकी गाजियाबाद में प्रताप विहार सेक्टर 11 में दुकान है, ये हमारे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं और उनको भी काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है। जो कस्टमर सैंपल के लिए उन्होंने दिया था एक बार, वो अगले दिन खुद अपने आप आके 2 लीटर लेके जा रहे हैं। नहीं, ब्रह्म कमल का आपका जो ब्रांड नेम कैसे दिमाग में आया? जी हम उत्तराखंड से हैं तो ये पापा ने सजेस्ट करा था कि वहाँ का नेशनल फूल वगैरह है तो काफ़ी मतलब मेहनत पापा केदारनाथ जाते रहते हैं। अच्छा हाँ, ब्रह्म कमल को उत्तराखंड सरकार ने वहाँ पर राज्य पुष्प घोषित कर रखा है और बाबा केदारनाथ में इसका पुष्प चढ़ता है तो इसका प्रसाद बढ़ता है, तो आपका जो आइडिया बहुत अच्छा है लगा हमें और ऐसे उत्तराखंड को आगे बढ़े और उत्तराखंड रोजगार होगा तो नए नए जो प्लान रुकेगा वहाँ पर। अब ये तेल अगर वहाँ ब्रह्म कमल चलेगा तो गांव भी बिकेगा, अगले एक एक डेढ़ साल में वहाँ पहुँचाने की पूरी हो है। तो क्या पता अगले साल ही वहाँ मिल जाए। हाँ मैं मेरे अपने उत्तराखंड प्रवासियों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपना उत्तराखंड के ब्रांड को आगे बढ़ाएं और प्रोडक्ट लें, तेल हम खाते रहते हैं लेकिन अपना प्रोडक्ट आगे बढ़े। ब्रह्म कमल का जो ब्रांड है उत्तराखंड का है तो उससे हमें खुशी होगी, रोजगार मिलेगा, प्लान रुकेगा, शुद्ध जैविक तेल मिलेगा, ना उसमें इतना केमिकल मिलेगा, शुद्ध प्योरिटी एक नंबर 100% प्योरिटी है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया। बहुत बेहतरीन, आज आगाज हो चुका है नोएडा में, नोएडा में पहली बार 11वां महाकौती इंदिरापुरम का विराट महाकौती पहली बार आज नोएडा स्टेडियम के सलामीला मैदान में